चार्ट ओपन करके रखा है, एक ये माइंट्री का चार्ट है और ये मारुति का चार्ट है। सो दोनों हम एक साथ वॉच कर रहे हैं। सो यहाँ पर देखेंगे कि मारुति ने यहाँ पर जो इसका लेवल था 8000 का, इसको ब्रेक कर दिया है। सो अब ऊपर हो सकता है प्राइस सस्टेन हो ना हो, वो थोड़ा वेट करने के बाद पता चलेगा। अगर यहाँ पर प्राइस एक तो कैंडल सिर्फ सस्टेन होता है देन अपसाइड का मोमेंट करता है, तो आज ये मार्केट में बुलिश रहेगा, एक ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। सो अगर ज़्यादा देर यहाँ पर मार्केट रुक जाता है देन मार्केट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि घूम के वापस आ जाएगा नीचे मारुति में। एंड यहाँ पर हम देखें माइंट्री का, तो माइंट्री में अभी भी यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें देख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर देखेंगे ये सपोर्ट पे खड़ा है मार्केट यहाँ पर माइंट्री। सो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा ये नीचे आया है, यहाँ से ऊपर की साइड फिर से अपना मोमेंट करना शुरू कर सकता है। सो अगर यहाँ पर एंट्री बनाना होगा तो हम इसके ऊपर बनाएंगे 2970 के आसपास। सो अभी वेट कर रहा है दोनों में, कोई भी अभी हमने ट्रेड नहीं लिया है। सो वेट करते हैं, देखते हैं। हमने एक ट्रेड लिया है निफ्टी में, तो ये हमने 1500 की पी में पोजीशन लिया है। सो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा एक्सेल लगा देता हूँ यहाँ पर। सो अराउंड यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट रहेगा, सो ओके एक मिनट, सो अराउंड 15 पॉइंट का रख देते हैं। एंड जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा अराउंड, सो ये हमारा सही से एसएल बैठ नहीं रहा है। सो एक मिनट, थोड़ा सा निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लेते हैं। निफ्टी 50, ओके। सो यहाँ पर मार्केट की सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है, सो ओके। सो 1:1 का हमारा यहाँ पर रेशियो रहेगा, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर 15 पॉइंट का। सो देखते हैं और वेट करते हैं क्या होता है इसमें। तो यहाँ पर मैं अपने पोजीशन को कट करता हूँ, ओके। सो हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया है। सो यहाँ पर मैं अपने जो ट्रेड था उससे मैं बाहर आ जाता हूँ। सो ये एक लॉजिकल एरिया थी जहाँ पर हमने एग्जिट किया था। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि कहाँ गया निफ्टी 50, ओके। सो यहाँ से मार्केट एक बार, अब यहाँ से डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा, यहाँ से एक बार बाउंस लेगा आप साइड का। सो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, यहाँ पर आप देखिए यहीं से मार्केट अब एक बार यहाँ से अपसाइड का मोमेंट लेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया था। सो देखते रहिए और सीखते रहिए। देखिए यहाँ से अभी क्या करेगा मार्केट, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से एक बार ऐसे ऊपर जाएगा, ओके। सो वेट करते रहिए। यहाँ पर देखिए यहाँ से मार्केट अब एक बार अपसाइड का मोमेंट करेगा, यहीं से घूमेगा मार्केट अभी, और ज़्यादा ऊपर जाए ना जाए वो बात की बात है, बट यहीं से मार्केट घूमेगा एक बार अपसाइड के लिए, ओके। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ से बाउंस हो रहा है नहीं हो रहा मार्केट, देखिए इसीलिए मैंने यहाँ से एग्जिट कर दिया था, एक लॉजिकल एरिया थी। यहाँ से मार्केट थोड़ा थोड़ा देखिए बाउंस करना शुरू कर दिया है अभी से ही, और ये बाउंस होता ही रहेगा अभी कुछ देर तक, हो सकेगा तो ये मार्केट अराउंड यहाँ तक अभी ऊपर आएगा यहाँ तक, ओके। एक मिनट कुछ ये कर देता हूँ मैं, तो हो सकता है मार्केट अभी यहाँ तक एक बार अगेन ऊपर आएगा, ओके। सो वेट करते रहिए और देखिए। आई एम सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर अभी
हमारा वाईफाई बंद हो गया, सो लाइट शायद चली गई थी, तो 1 मिनट रुके, अपने आप चालू हो जाएगा। लाइट आ चुकी है फिर से, सो पर हमें वाईफाई सही करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया। सो तब तक यहाँ पर देखेंगे, मार्केट काफ़ी नीचे आ चुका था। सो यहाँ पर देखिए, मैंने कहा था यहाँ से बाउंस करेगा मार्केट, ठीक है। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से इतना ऊपर जितना मैंने जो यहाँ पर एक लाइन क्रिएट नहीं की थी, वहाँ तक देखिए मार्केट अगेन अपसाइड आ गया। तो मैंने कहा था कि यहाँ तक मार्केट एक बार फिर से आएगा, उसके बाद ही अगर इसको नीचे जाना होगा तो जाएगा। हो सकता था कि वहीं से घूम के मार्केट अपसाइड के लिए भी मूवमेंट कर सकता था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। सो बट वहाँ से मार्केट आया, वहाँ के बाद नीचे आ गया, तो मैंने यहाँ पर लाइन क्रिएट की थी। सो और ये वाली कैंडल को बोली थी, देखिए ये वाली कैंडल ऑलमोस्ट वहाँ तक पहुँच गई, देन डाउन साइड मूवमेंट किया। हो सकता था मार्केट यहीं से अपसाइड के लिए भी घूम सकता था। तो अभी भी चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए घूम सकता है, बस बट ये भी है कि काफ़ी ज़्यादा गैप अप होने के रीजन जो है, उस वजह से मार्केट यहाँ तक आ सकता है। हो सकता है कि यहाँ थोड़ा सा रिजेक्शन करके ऐसे हो सकता है ये गैप को फिलअप कर दे, गैप जो था यहाँ का। सो अभी भी हो सकता है कि मार्केट अपसाइड के लिए यहाँ से मोमेंट भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ ये इसका सपोर्ट है, यहाँ पे जहाँ मार्केट अभी खड़ा है, जहाँ पे अभी मार्केट खड़ा है, ये एक सपोर्ट है यहाँ का। सो अगर हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हम इसके ऊपर यहाँ से बाइंग भी कर सकते हैं मार्केट में। अगर यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल क्रिएट हो जाती है यहाँ पर, देन हम यहाँ पर बाइंग साइड के लिए जा सकते हैं। और अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल क्रिएट होने के बाद डाउन साइड को ब्रेक करता है, देन हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये डायरेक्टली रेड रेड कैंडल बनाता हुआ आएगा, तब यहाँ पर ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अगर ग्रीन कैंडल क्रिएट कर देता है, देन बहुत स्ट्रांग होगा कि डाउन साइड के लिए स्ट्रांग होगा। सो ट्रेड करने से पहले ये चीज़ जान लीजिए कि मार्केट में स्ट्रांग डाउन चल रहा है, मार्केट मोमेंटम कर सकता है या नॉर्मल करेगा। तो अगर ये रेड रेड कैंडल ही सिर्फ बनाती आएगी, देन आप समझ लीजिए कि मार्केट बहुत स्ट्रांग नहीं है, चाहे अपसाइड का हो या डाउन साइड का। वहाँ पर अगर डाउन साइड में आ रहा है, उसको ग्रीन कैंडल एक दो बनाएगा, उसके बाद डाउन आता है, तब ज़्यादा अच्छा होता है उसके लिए। सो ये हो सकता है, देखिए यहाँ पर मार्केट अपने सपोर्ट पे ही अभी खड़ा है, और यहाँ से ना ऊपर जाना चाह रहा है ना नीचे आ पा रहा है। यहाँ पर बायर और सेलर दोनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। सो इसीलिए यहाँ पर देखिए मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। यहाँ पर जो प्लस वाला आइकन होता है, नेचुरल क्या बोलते हैं उसको, वो वाला यहाँ पर क्रिएट किया था अभी कुछ देर पहले मार्केट ने कैंडल। सो यहाँ पर देखिए अपसाइड का थोड़ा थोड़ा यहाँ पर, सो यहाँ पर देखिए बुलिश कैंडल क्रिएट हो रही है, जो मैंने बोला था। हो सकता है मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे चला जाएगा। और ये भी हो सकता था यहाँ पर कि मार्केट इसको पूरा फुली ब्रेक डाउन देता, देन यहाँ पर थोड़ा नीचे आता, फिर अपसाइड जाता, फिर नीचे आ जाता। सो यहाँ इसीलिए मैंने यहाँ पर अपने ट्रेड को कैंसिल किया, बहुत छोटा सा पॉइंट हमको कैच करने को मिला था। सो अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है, देन मार्केट अगेन अपसाइड का मूवमेंट कर देगा किया था। तो टोटल यहाँ पर 645 रुपये हुआ है। सो आज का ये प्रॉफिट था 6445। सो ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में। सो ओके, थैंक यू फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको फ्री में दी जाती है। कोई कोर्सेस हमारा नहीं है, कोई भी आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे चैनल से जुड़ने के लिए। सो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। सो ओके, थैंक यू।